यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर संघ से मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। संघ के संयुक्त महासचिव वी भगेया, नागपुर संघ संचालक राजेश लोया और सुनील देशपांडे ने हवाई अड्डे पर उनकी अगुवाई की। पूर्व राष्ट्रपति संघ के एक माह के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। प्रणब मुखर्जी ने जब से आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है, तब से वे कांग्रेसियों के निशाने पर है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और सी के जाफर शरीफ से लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने उन पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सलाह दी है कि वे आरएसएस के इस कार्यक्रम में ना जाएं, लेकिन प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के तमाम नेताओं के विरोध के बावजूद संघ के इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। वहीं आरएसएस की ओर से यह भी कहा गया था कि जो लोग संघ को जानते हैं उनके लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हमने अपने कार्यक्रमों में पहले भी देश के बड़े लोगों को बुलाया है, इसी प्रकार इस बार हमने प्रणब मुखर्जी को बुलाया है। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार भी कर लिया।